Assalamualaikum, good morning dear students. How are you all? Hope you all are doing good at your home. Now open your maths book. Open page number 132. Previously we did exercise 8C. Today we start exercise 8D. 8D का question number 1 है, if x equals to -3, y equals to 5 and z equals to -2. Evaluate the following. हमें x, y, z इन तीनों के हमें values given हैं, ठीक है? और हमें conditions दी हुई हैं कि इस condition में हमें ये सारी values put करनी है और answer उसका हमें देखना है क्या आएगा, ठीक? अब first part इसका x plus y minus z. अब x में x की value put करें, y में y की और z में z की, ठीक है? x की वैल्यू है हमारे पास -3, ठीक है? x की जगह हमने -3 पुट किया, फिर y की वैल्यू है 5+5, ठीक? और फिर माइनस क्वेश्चन वाला, और z की वैल्यू है -2, ठीक? ये -2 था और ये माइनस क्वेश्चन वाला था, तो इसलिए हमने इस -2 को रख दिया ब्रैकेट में, ठीक? अब ये -3 एज इट इज +5 और माइनस माइनस +2 हो गया हमारा, ठीक? अब +5 और +2 +7 -3 ऐसे ही रहा, फिर प्लस माइनस माइनस 7 -3 4 साइन आएगी यहाँ, मतलब प्लस की साइन है, यहाँ पर प्लस की साइन हम लिखते नहीं हैं, बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस, मतलब प्लस साइन की हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर साइन भी प्लस की ही आएगी जो कि हम नहीं लगाते, तो 7 -3 हमारे पास हो गया 4, ये हमारा हुआ आंसर, ठीक? अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट वो आपका हुआ होमवर्क, ठीक? इसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर, एक्स की जगह -3 स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा इसको, ठीक है? फिर माइनस इक्वेशन वाला, फिर वाई की वैल्यू है 5 और जेड की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू -2 पे भी स्क्वायर, ठीक है? इनको हमने लिखा ब्रैकेट में सबको। अब माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर होता है, माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर होता है या इवन नंबर की पावर होती है, जैसे 2, 4, 6 होता है, तो ये माइनस जो होता है ना, ये हमारे पास हो जाता है प्लस, ठीक है? तो ये माइनस माइनस हुआ हमारे पास प्लस, और 3 3 9, फिर ये माइनस क्वेश्चन वाला, और 5 प्लस माइनस माइनस, और 5 2 10, ठीक है? ये हमारे पास आ गया -10, और फिर वही बात आ गई कि माइनस के ऊपर है साइन, मतलब ये इवन पावर है, यहाँ पर स्क्वायर है माइनस के ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 2 4, ठीक है? अब 9 ऐसे ही रहा, और माइनस माइनस प्लस 10/4, 9 प्लस 10 19 और नीचे 4, ठीक है? ये हमारा हुआ आंसर, ये 14 नहीं है, ये 4 है, ठीक है? हमारा आंसर है 19/4, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स छोड़ दिएगा, बस क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और पार्ट 3 मैंने करवा दिया, और पार्ट 2 आपका हुआ होमवर्क, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ़ ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 9 एंड सी इक्वल्स टू 25, इवेल्यूएट b² - 4ac। b² - 4ac में हमें a, b और c की वैल्यूज पुट करके हमें आंसर फाइंड करना है, ठीक है? b की हमारे पास वैल्यू है 9, तो 9² ये माइनस क्वेश्चन वाला, 4 भी क्वेश्चन वाला, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 25, ठीक है? 9 9 = 81 माइनस, फिर इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 400, ठीक? 81 - 400 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू है हमारे पास माइनस की, तो साइन हमारे पास माइनस की आएगी। 400 में से 81 को माइनस करवाया तो हमारे पास आया 319, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।